बिहार में इन दिनों हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कस रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जवाब देते हुए बीजेपी को खरी खोटी सुना दी है। नीतीश कुमार ने यह साफ कहा है कि गजब का पागलपन है बिहार के बीजेपी के नेताओं का। वो लोग तो खुद कहता था कि बिहार में हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन की जरूरत है, खरीदना चाहिए। बता दें आपको कि लगातार हेलीकॉप्टर और प्लेन को लेकर जो है बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। विपक्ष में बैठी बीजेपी बिहार महागठबंधन की सरकार पर हमलावर है, तो वहीं प्रतिदिन जो है प्रतिक्रिया दी जा रही है बीजेपी के नेताओं के तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार ने इस सवाल पर जो है बीजेपी को पागलपन करार दे दिया है, तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है गुरुवार को बिहार बीजेपी पर हत्थे से उखड़ गए हैं। पार्टी के सवालों को जो है पागलपन करार देते हुए तमाम प्रतिक्रिया दे दी है मुख्यमंत्री ने। मामला राज्य में जेट और हेलीकॉप्टर की खरीद को लेकर है। कैबिनेट की मंजूरी जिस तरीके से बीते दिनों दी गई थी, इसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिफरते हुए नजर आए हैं। नीतीश कुमार ने इस दौरान बिहार बीजेपी के नेताओं को खूब खड़ी खोटी सुना दी है। नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए यह साफ कहा है कि बिहार के बीजेपी के नेताओं का गजब का पागलपन है। पहले ही ये लोग खुद कहते थे कि बिहार में जरूरत है, और जब खरीदा रहा है तब इस तरह का बयान देते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर गुरुद्वारा पहुंचे थे। प्रकाश पर्व के अवसर पर उन्होंने गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब में है मत्था टेका। इस दौरान उन्होंने बाहर निकल के आए तब तमाम सिख धर्म जो तमाम लोग हैं उनको आभार प्रकट करते हुए तमाम बातें कह दी, तो वहीं उन्होंने लोगों को गुरु पर्व की बधाई दी। इसके बाद नीतीश कुमार से जब बीजेपी के बयान पर सवाल पूछे गए तो वो बिफड़ गए। ये सवाल बिहार में जेट और हेलीकॉप्टर की खरीदारी से जुड़ा था। इस सवाल पर सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी को खूब खड़ी खोटी सुनाई। वहीं नीतीश कुमार ने इस सवाल को बीजेपी का पागलपन बताया। हत्थे से उखड़ने के बाद नीतीश कुमार ने जेट और हेलीकॉप्टर खरीदारी पर जो है बीजेपी के बयान को पागलपन करार देते हुए तमाम बातें कह दी। तो वहीं उन्होंने कहा कि पहले यह लोग हेलीकॉप्टर और जेट खरीदने की बात करते थे, और जब यह खरीदा रहा है तो यह इसका विरोध कर रहे हैं। जेट पहले से खरीदे हुए हैं और उनको ट्रेनिंग के लिए रखा गया है। इसमें देखा जाए तो इससे पहले जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई क्या बोलता है, तो वहीं नीतीश कुमार ने तमाम प्रतिक्रिया दे दी है। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि अलग अलग पार्टियों का अलग अलग कार्यक्रम होता है, उससे हमें क्या दिक्कत हो सकती है। इसके बाद उन्होंने प्रकाश पर्व पर बोलते हुए कहा कि हम लोग गुरु गोविंद सिंह की जयंती सालों से मनाते आ रहे हैं, 350वीं जयंती भी हम लोगों ने धूमधाम से मनाई है। उन्होंने कहा है कि पटना सिटी का माहौल भक्तिमय बना हुआ है, दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, यह बहुत खुशी की बात है। तो वहीं यह हमारा सौभाग्य है कि पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो फिलहाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पागलपन करार दे दिया है बीजेपी को, वहीं तमाम प्रतिक्रिया दे दी है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।